कश्मीर में इस साल सुरक्षा बलों ने अब तक 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया है। पिछले 4 दिनों में 14 आतंकवादी मारे गए हैं, लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है जब कश्मीर में साल के पहले 6 महीनों में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हों। पिछले 3 साल से ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। जनवरी से जून के बीच मारे गए आतंकवादियों का आंकड़ा हर बार 100 पार गया है, फिर चाहे वो 2018 हो, 2019 हो या ये साल 2020 हो, क्योंकि कश्मीर में बर्फ पिघलने के साथ ही शुरू हो जाता है एनकाउंटर का मौसम। अब अगर 2019 की बात करें तो जनवरी से जून के बीच 128 आतंकवादी मारे गए थे, जबकि 100 का आंकड़ा तो मई में ही पूरा हो गया था। सेना ने पहले 5 महीने में 100 आतंकवादी मार गिराए थे, जिसमें से 23 विदेशी थे और 78 लोकल थे। मारे गए आतंकवादियों की लिस्ट में टॉप कमांडर जाकिर मूसा भी शामिल था। मूसा अलकायदा समर्थित आतंकी संगठन का हिस्सा था। खास बात यह भी थी कि इस साल जिन आतंकवादियों को मार गिराया गया था उनमें 25 शोपिया में मारे गए थे, इनमें से भी 16 वहीं के रहने वाले थे। शोपिया के बाद 15 आतंकवादी पुलवामा, 14 अवंतीपोरा और 12 कुलगाम में मारे गए थे। वहीं अगर बात करें 2018 की तो केंद्रीय मंत्री हंसराज अहिरवार ने जो राज्यसभा को जानकारी दी उसके मुताबिक साल 2018 के पहले 6 महीने में 108 आतंकवादी मारे गए थे, जबकि 43 सैनिकों ने इन आतंकवादियों से लड़ते हुए अपनी जान कुर्बान की थी। इस साल जनवरी से जून के बीच 256 हिंसक वारदातें भी देखने को मिली थी। इसी साल जुलाई में सुरक्षा बलों ने लश्कर के आतंकी अबू दुजाना को मार गिराया था। आपको बता दें कि 2017 में जनवरी से जून के बीच आतंकवादियों को मार गिराने का आंकड़ा 90 पहुंच गया था, जबकि 2016 में ये 77 पर था। हालांकि इसके पहले इस दौरान मारे गए आतंकवादियों की संख्या बेहद कम थी, लेकिन ये लगातार बढ़ती गई। इसके साथ ही आपको बता दें कि DGP ने इस हफ्ते की शुरुआत में दिए बयान में कहा था 9 ऑपरेशन में 22 आतंकवादी मारे गए हैं, जिसमें 6 टॉप कमांडर थे। 1 जून से 10 जून के बीच कश्मीर में 19 आतंकवादी मार गिराए हैं, जिसमें पिछले 4 दिन में शोपिया में मारे गए 14 आतंकवादी शामिल हैं। सुरक्षा बलों के मुताबिक सिर्फ दक्षिण कश्मीर में 125 आतंकवादी एक्टिव हैं, जिसमें से 100 स्थानीय हैं और बाकी विदेशी। देश को भारतीय जवानों का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमारे जाबाजों ने साल 2020 के 6 महीने पूरे होने से पहले 100 आतंकवादियों को मार गिराया है। इससे भी बढ़कर पिछले 48 से 72 घंटे के बीच सेना ने दक्षिण कश्मीर के शोपिया में 14 आतंकवादियों का खात्मा किया है। हालांकि ये इस बात का संकेत है कि हमारे जवान कितने चौकस हैं और हमारा इंटेलिजेंस कितना प्रभावी तरीके से काम कर रहा है। लेकिन इस कामयाबी के बीच आतंकवादियों ने हाल ही में एक कश्मीरी पंडित सरपंच अजय पंडिता और एक कथित स्थानीय पुलिस मुखबिर की हत्या कर दी। ये बताता है कि कश्मीर में सब कुछ सामान होने का आखिरी मील अब भी दूर है। दोनों ही ट्रेंड उपलब्धि और नुकसान के अपने अपने मायने हैं, इसमें कोई शक नहीं। और इंटेलिजेंस बता रहे हैं कि अलगाववादी और आतंकवादियों का प्रभाव कम होता जा रहा है। कोरोना के चलते लॉकडाउन से उनकी आवाजाही में बंदिशें लगी हैं और सुरक्षित ठिकाने भी नहीं मिल पा रहे। सुरक्षा बल इसका भरपूर फायदा भी उठा रहे हैं, लेकिन इंटेलिजेंस के इस खेल में सोर्स की सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा। जैसे जैसे आतंकवादियों का दायरा घटता जाएगा और बेसब्री का स्तर बढ़ेगा तो उनके टारगेट सिमटते जाएंगे, तब अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए दोगुने प्रयास करने होंगे। और जिस दिल और दिमाग को जीतने की हम बात करते हैं उस पर और ज़्यादा बात करनी होगी। लोगों के पास जाना और उनका समर्थन हासिल करना ही ऐसी किसी मुहिम को सफलतापूर्वक पूरा करता है। इसी प्रकार की बड़ी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।